जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारा वास्तव एक टर्म से पड़ता है जो है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है या वो क्या होती है ये देखते हैं अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के प्रोसेस हैं उनको सक्सेसफुली जो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है उसे हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं द अंडरलाइंग एजम्पन इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबल ऑफ लर्निंग विल बी मोर एफिशिएंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कि जिनके अंदर लर्निंग की सलाहियत है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं मोर इफेक्टिव ज्यादा अफेक्टिव होती हैं मोर कंपेटिटिव अपने दूसरे कम्पटिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा आगे जाती हैं एंड मोर वाइबल वो उनको चलाना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है वो ज़्यादा कामयाब या सक्सेसफुल रहती हैं दैन दो ना ऐसे तमाम इदारों के नस्बत कि जो अपनी लर्निंग को नहीं सही तरीके से कर पाते लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के uh, कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ कॉम्पिटेंसीज कह लीजिए ये कॉम्पिटेंसीज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ में मौजूद हों उसे हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसमें मेंटल मॉडल्स हैं शेयर्ड विजन है पर्सनल मास्टरी है इसमें टीम uh, लर्निंग है और सिस्टम थिंकिंग है इन इन पांचों को हम बारी बारी देखते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले मेंटल मॉडल्स क्या हैं द कोहरेंट सेट ऑफ और मॉडल्स दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड एंड टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली अपने कल्चर को अपने काम करने के तरीके को अपने कॉन्टेक्स्ट को एक एम्प्लॉई सही तरीके से जो समझता है और अपने जहन में एक इमेज बनाता है उसे हम एक मेंटल मॉडल मेंटल मॉडल कैन कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियशल लर्निंग परसेप्शन वैल्यूज बिलीफ ऑल असम्बल्ड इन अ परसनलाइज मैनर बाई ईच एंडल कि हर इंडिविजुअल इन सारी चीज़ों को अपने माइंड का और अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाता है कि इसे हम एक मेंटल मॉडल कहेंगे जो दूसरी टर्म है वो है शेड विजन अब शेड विजन क्या है रेंडरिंग पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंटल मॉडल्स कि एक मेंटल uh, मॉडल के एक ऐसा हिस्सा कि जो दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है रेंडर किया जा सकता है दूसरे को दिया जा सकता है विजिबल सो दैट दे कैन बी शेयर विद अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टूड बाय अदर्स एंड परहैप्स इवन अप्रोप्रिएटेड बाय अदर्स कि जो दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है दूसरे उसे समझते हैं और उसके अंदर ज़रूरी तब्दीलियाँ ला के अपने इस्तेमाल के काबिल उसे बनाते हैं उसको अप्रोप्रिएट बनाते हैं अपने अपने माहौल के हिसाब से उसे उसे मुनासिब बनाते हैं इसे हम शेयर्ड विज़न कहेंगे द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग लीड्स टू अ मोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल्स कि जो किसी इंडिविजुअल के जहन में जो मॉडल होता है उसको ये विजन जो है जब शेयर होता है तो उसको चेंज करता है सो दैट द इंडिविजुअल्स इन्वाल्व कैन कम क्लोजर टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू अ शेयर्ड मेंटल मॉडल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है जो उसके अंदर बिलीव्स होते हैं उसकी जो वैल्यूज होती हैं एक एम्प्लाई अपने आप को उसमें एडजस्ट करता है और उसका तरीका यही है एक शेयर्ड विजन हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें तीसरी चीज़ है पर्सनल मास्टरी यह क्या है सेट ऑफ वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स एटीच्यूड्स सच दैट इंडिविजुअल्स आर कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि इंडिविजुअल्स को इस काबिल बनाना कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार हो जाएं और अपने काम के दौरान मुसलसिल वो सीखते रहें विच इन टर्न एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कि जब एक इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेगा तो इसके नतीजे में वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के काबिल हो जाएगी द दम्शन बिहाइंड दिस कॉम्पिटेंसी इज़ दैट द इंडिविजुअल मॉडल्स आर नॉट सो रिजिड एज टू प्रिवेंट एनी न्यू नॉलेज कि जो कि लर्निंग हो सकता है टू बी इनकॉर्पोरेटेड और एडिड विच मेबे ट्रिगर अ चेंज और अपडेटिंग ऑफ द ओरिजिनल मेंटल मॉडल कि इंडिविजुअल को इस काबिल बनाया जाए कि वो रिजिट ना हो वो किसी भी नए नॉलेज को हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार हो और उसको अपने काम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज अ होल आगे बढ़ेगी इसमें फिर पॉइंट है टीम लर्निंग का अब टीम लर्निंग क्या है द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड एक्टिवली फोस्टर इंडिविजुअल लर्निंग सच एज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग के लोगों को ट्रेन किया जाए उनको काम सिखाया जाए और एक टीम की सूरत में सिखाया जाए कि जिसमें लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्रेनिंग हासिल करें एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स इंडिविजुअल लर्निंग और ट्रेनिंग इज मच मोर लाइकली टू बी कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन जब ट्रेनिंग का इंतजाम करती है अपने स्टाफ का तो इसे हम कह सकते हैं कि वो एक एक अच्छी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है सिस्टम्स थिंकिंग कि सिस्टम्स को किस तरह से देखना है एक सिस्टम के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखना है परसेप्शन और डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ गेस्टाल्ट अब यहाँ गेस्टाल्ट के मिलेंगे अ होल एक मुकम्मल चीज़ एन एंटेग्रल एंटिटी दैट कैन नॉट बी रिड्यूज टू अज ऑफ कंपोनेट्स जिसके छोटे छोटे कंपोन की सूरत में उसे ना देखा जाए उसे एज ए होल देखा जाए मस्ट बी सीन स्टडीड एंड ट्रीट अ होल वेयर ऑल द पार्ट आर सीमिंगली कनेक्टेड टू वन एन अदर उसके पार्ट्स को अलग अलग ना देखा जाए उसको एज अ होल देखा जाए और जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि कंपोनेंट अपना अपना काम तो कर ही रहे होते हैं लेकिन जो उनकी कोहेसिवनेस होती है जो मिल काम करते हैं उनके जो कनेक्टेडनेस होती है उसके नतीजे में वो सिर्फ सम नहीं होता उन कंपोनेंट्स का बल्कि सम से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन एज एन इनटेक्ट सिस्टम मेड अप ऑफ प्रोसेस पीपल कल्चर टेक्नोलॉजी एंड सो फोर्थ कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है उसमें पीपल अलग हैं उसमें कल्चर अलग है उसमें प्रोसेस है, भी हैं उसमें टेक्नोलॉजी या टूल्स भी हैं और ये सब इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं सिस्टम थिंकिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम के तरीके से थिंक करती हो इस तरीके से सोचती हो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन